तो भाई लोग फिर से आगे में एक और बेहतरीन से एकदम नेक्स्ट लेवल आर्क सर्वाइवल इवोल्ड की गेम प्ले वीडियो में भाई लोग किसी भी कुछ वीडियो से पता नहीं क्या सीन हो रहा है अपने साथ में, मतलब भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुए जा रही है वीडियो बनाते टाइम। भाई पिछली बार क्या कहते हैं गेम अटक गया था बिल्कुल एंड में आके, मैं वैसे पत्थर वाला घर बनाता पूरा का पूरा, मतलब एटलीस्ट नीचे के दो फ्लोर या एक फ्लोर तो पूरा पत्थर का बना ही देता ठीक है, लेकिन गेम ही अटक गया भाई एंड में आके। मैं सोचा चलो यार अभी वीडियो खत्म करते हैं, तो अब भाई सबसे पहले तुम्हें पता है घर बनाने वाला हूँ। और भाई ऐसे नहीं है उस वीडियो में बस ये हरकत हुई हो, उससे पहले क्या कहते हैं भाई 2-3 दिन में आया था मेरा UPS। भाई UPS ने पता नहीं क्या सिस्टम से करने शुरू कर दिया था, अभी UPS कर रहा है भाई, पता नहीं क्या सीन है, जैसा कुछ गेम चलाते ही UPS के नशे चालू हो जाते हैं। खैर UPS का तो मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता अभी, लेकिन भाई अभी अपना पत्थर घर तो बना ही सकते हैं, तो सबसे पहले हम अभी पत्थर घर बनाने वाले हैं। उसके बाद भाई जो बड़ा वाला डायनासोर है ना उसे भी अपना पालतू बनाएंगे, और मैंने भाई जो अंडे होते हैं डायनासोर के उनसे बच्चे निकालने का तरीका भी सीख लिया है। तो भाई क्या है वो जो इतना बड़ा वाला डायनासोर है ना उसका भी अंडा मिला है, तो उससे बच्चा निकाल लेंगे भाई, वो बच्चा भाई काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहने वाला है, तो मतलब मज़ा आ जाएगा भाई। दो अगर वो भी हमारा पालतू बन गया तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा ठीक है, इतने पावरफुल दो डायनासोर जाएंगे हमारे पास, एकदम नेक्स्ट लेवल सीन होएगा। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं घर बनाने वाला हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो दबा के, अगर अभी तक नहीं करा तो। भाई अभी जो है अपने गेम की आवाज़ गायब है, वो तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ तुम्हें ही सुन रही, भाई मुझे भी नहीं सुन रही आवाज़ ठीक है, तो मैं इसे फिक्स करूंगा जहाँ तक रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा मुझे गेम, फिर करेंगे भाई घर बना लो बस मैं एक बार पत्थर का, फिर मैं आवाज़ चालू करने की कोशिश करूंगा इसकी। यार पता नहीं क्या सीन है भाई, जब भी मैं वीडियो बनाने बैठूँ ना आर्क की कुछ ना कुछ गलत सीन हरकत होके रहेगी, स्पेशली UPS की साइड से। भाई इतना ज़्यादा दुखी आ गया ना मैं UPS से कि मैं जी कर रहा है इसमें आग लगा दूँ मैं अभी कभी। जो भी अपना फालतू सामान था हमने अपने भैंसू भाई के ऊपर लोड कर रखा है क्योंकि इसकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है ठीक है भाई। अभी यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं जहाँ पे अपना भैंसू भाई खड़ा है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा ठीक है, सारे पत्थर पाड़ दिए हमने मान जीवन के, पत्थर छोड़ने नहीं कहते आर्क में, आज घर के आसपास पत्थर नहीं बचने चाहिए ठीक है भाई। अब दीवारों को प्लेस करना शुरू करते हैं, कुल्हाड़ी अंदर रख लेता हूँ मैं, इस वजह से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो जो अपनी बाहर वाली सीलिंग थी ना जो मतलब ये पीछे बालकनी से निकल रखी थी ये दिक्कत करी थी दीवार बनाने में, तो हमने अकरा अभी के लिए इसे तोड़ दिया, फिर यहाँ दीवार वगैरह बना के बाद में इसे खड़ा कर देंगे वापस से। भैंसू कहाँ रहेगी अब यार, लेके तुम्हें उस ऊपर ही गया था, कहाँ रह गया भाई रस्ते में? ओ भाई इतना बड़ा पत्थर इसके नीचे मैं आ रखा हूँ, मुझे लगा था पहाड़ का हिस्सा होगा भाई। ठीक है तोड़ रहा हूँ अभी मैं इसे, तोड़ के देखते हैं। टूट गया, ओ भाई कितना बड़ा था। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, गलत सीन हो गया भाई, गलत सीन एकदम यार, गेम फिर से अटक गया। ठीक है भाई लोग, तो अभी आवाज़ भी आ चुकी है वापस, और अभी भाई मैं कौन से इलाके में हूँ। ठीक है प्यास यार, कितने पहले ऑटो से हुआ था यार ये, हमने काफ़ी सारे रिसोर्स इकट्ठे कर लिए हैं, स्टोन वुड और हमने उनसे सीलिंग और जो दीवार है वो ही बना ली, तो फटाफट अपने घर की तरफ चलते हैं और थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी तुम्हारे भाई ने दो डोर फ्रेम बना लिए हैं, तो एक तो लगाते हैं मस्त यहाँ पे अपना मेन एंट्रेंस वाले डोर पे, और एक लगाते हैं भाई ऊपर छतड़े पे जो बालकनी के एंट्रेंस है वहाँ पे। यहाँ क्या ये भाई की जो जितनी भी दीवारें हैं वो तो पत्थर की हो गई, और मैं एक काम करता हूँ जो छज्जा है ना अपना वही पत्थर का बना देता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले छज्जे की ये सामने वाली छत, नहीं 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 नहीं, UPS नशे नहीं नशे नहीं भाई, बार बार गेम क्रैश हुए जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है भाई, दूसरी बार गेम क्रैश हो लिया है जब से मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है यार, अब फिर से चालू करो पता नहीं यार, डीप प्रोग्रेस तो वैसे ही खत्म होगी होगी। ठीक है भाई लोग, तो गेम क्रैश होने के बाद हमने फिर से वहाँ तक कर लिया जहाँ तक हम थे अभी थी, और अब लगाते हैं फटाफट से छत सारी की सारी। वो भाई अभी अपने गेम का ऑडियो जो है वो फिर से भाग गया है ठीक है, लेकिन कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। ये जो बाहर का छज्जा था छतड़ा इसे भी हमने पूरा का पूरा स्टोन पे पक्का बना दिया, अभी क्या है हम इसकी रेलिंग बनाने के लिए जा रहे हैं, तो रेलिंग लेके आते हैं इसके लिए थोड़ी सी। ठीक है भाई, ये नदिया किनारे के पत्थर फोड़ते हैं, अभी हम अपने घर की दूसरी साइड हैं, उधर है अपना घर सामने वो, और यहाँ पर हम पत्थर फोड़ रहे हैं नदिया किनारे। ठीक है, तो भाई लोग अभी मैं पत्थर चुग रहा था, और इसमें क्या है हम पत्थर चुग भी सकते हैं, जैसे पत्थर फोड़ते हैं ना तो कुछ पत्थर यहाँ बीच के किनारे वैसे ही पड़ जाते हैं फालतू के, तो क्या है उन्हें भी चुग सकते हैं, तो भाई ऐसे ही पत्थर चुगते चुगते क्योंकि मुझे रेलिंग बनाने तो भाई काफ़ी सारे पत्थरों की जरूरत है, तो भाई मैं चुगने लग रहा था, तो मुझे दिख रही है भाई सामने सप्लाई ड्रॉप,
तो फटाफट भाई उसके पास चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। मुझे यहाँ पे इसके अंदर दो ब्लूप्रिंट मिले हैं, एक तो आर्मर का और एक लेजर अटैचर का। ठीक है तो भाई लोग, अभी तुम्हारे भाई ने क्या कहते हैं काफी सारे पत्थर फोड़ फाड़ के और रेलिंग बना लिया बहुत सारी, तो एक काम करता हूँ जो पीछे वाली रेलिंग है उन्हें नीचे से लगाता हूँ, बाकी ऊपर से लगाऊंगा। अब क्या करते हैं भाई, ये वाली रेलिंग भी चेंज कर देते हैं, स्टोन रेलिंग लगा देते हैं इनकी जगह, लकड़ी की रेलिंग है ठीक है। और ये लगाए भाई, ये ख़त्म हो गई, दो चाहिए मुझे, ये लगाई और भाई ये लगा दी। वैसे भाई देखो लग तो बढ़िया सला है, स्टोन का घर है, मज़ा सा है, नेक्स्ट लेवल था। ये किवाड़ भाई इसमें पूरा ढंग से फिट नहीं हो रहा, और सा लग रहा थोड़ा सा, क्योंकि ये लकड़ी का किवाड़ है और ये डोर फ्रेम जो है ये स्टोन वाला है, तो इसमें स्टोन का किवाड़ लग के एकदम बढ़िया सा फिट हो जाएगा। और भाई ऐसा लग रहा है स्टोन का सिस्टम हो के पूरा छज्जा, भाई छज्जा थोड़ा सा बड़ा सा भी हो गया पहले से, तुम्हें याद हो तो रेलिंग भी है स्टोन की, तुम्हें लग रही होगी ऊपर से लकड़ी लकड़ी की है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा लकड़ी भी इसमें मजबूत वाली लग रही है, और नीचे से जो बेस है रेलिंग का वो स्टोन का है। यहाँ से पूरा इधर इधर सब जगह शिकार विकार कर सकते हैं आराम से, मैंने बेसिकली शिकार के हिसाब से बनाया था, जब तक कोई घर के सामने ना होना डायनासोर तब तक शिकार कर सकते हैं हम यहाँ से जगह पे रह के। नीचे से भाई मैंने पत्थर का इसलिए बनाना शुरू करा क्योंकि एक तो नीचे से मतलब मजबूत होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई डायनासोर वायनासोर हमला कर देना इनकेस घर पे, वैसे तो करने का नहीं क्योंकि अभी हमने सारे आसपास के पेड़ वेड़ सब गायब हो गए अपने आगे, और जहाँ पे जंगल सा हुआ है पेड़ वेड़ ज़्यादा हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा डायनासोर आते हैं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर कोई डायनासोर हमला कर दे अपने इलाके पर तो क्या है सही हो गया अभी अपना ठीक है। और अभी हम जाते हैं भाई जो हिटलर है उसे पालतू बनाने। ठीक है भाई, तो अभी क्या है टायर दिख गया मैं पास में ही, इसे कूट के पालतू बनाते हैं अपना फटाफट, 36 लेवल है तो इसे बनाते हैं अभी के लिए पालतू। ठीक है भाई, तो अभी हमने इसे बेहोश तो कर लिया है कूट पीट के, अभी फटाफट से इन्वेंट्री में हम खाना डालते हैं जिससे कि ये टेम होना चालू हो जाए। अभी यार ज़्यादा खाना भी नहीं है मेरे पास, थोड़े से नाक उठ देते हैं इसे जिससे बेहोश है, नाक को बेइज्जती देने वाला हूँ मैं इसे अभी के लिए। ठीक है बेहोश पड़ा रही है, उठिए मत नहीं तो उठा दूंगा दुनिया से ही। भाई जो बड़ा वाला डांस हो रहा है उसका नाम हम हिटलर रखने वाले हैं, तुम देख ही सकते हो कमेंट में, तुम भी कमेंट करोगे तुम चाहते हो कि कोई नाम ऐसे फीचर हो अपनी वीडियोस में तो कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है फीचर करेंगे हम ये धंधा हमारा। ठीक है तो हिटलर को टेम करते टाइम हमें क्या है बहुत सारी बेइज की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें ऐसे नहीं मिलने वाली, हाथ से टूट के आने वाली इतनी सारी बेइज, भाई इतना बड़ा है पता नहीं कितना खाना खाता होगा, तो इसके लिए हमें किसी डायनासोर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम यूज़ करके सारी बेइज वगैरह तोड़ लें और फिर उसकी इन्वेंट्री में रख दें, क्योंकि इतनी सारी बेइज भाई कोई डायनासोर ही तोड़ पावे आराम से, तो देख लो मुझे जरा सी बेइज कलेक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। अच्छा भाई ये सुअर भी है, अगली वाली वीडियो में देख लेंगे भाई इसे भी अपना पालतू बनाने की, इसका नाम बता दो क्या रखना चाहिए हमें। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने आतंक को अपना पालतू बनाया था टेरर को, और ये तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये मैंने कौन सा नया डायनासोर पकड़ लिया, तो वही अपना टेरर ही। इसमें क्या है भाई हमें स्किन मिली हुई थी इसकी एक टेरर की, वो मतलब वैसे मिली थी बाई डिफ़ॉल्ट, तो हमने उसे यूज़ करा था, ऐसा दिख रहा है अपना टेरर। इसके साथ चलते हैं मस्त उसे बड़े वाले डायनासोर को अपना शिकार बनाने। और मुझे अभी एक चीज़ और इकट्ठी करनी है, मुझे चाहिए काफ़ी सारे पत्थर, क्योंकि हमें उस डायनासोर को अलग तरीके से अपना पालतू बनाना पड़ेगा, देखते जाइए अब तुम। तो मैंने जो है अपने टायर भाई की सेटिंग चेंज कर दी है, अब ये हमारे किसी भी टारगेट को अटैक नहीं करेगा, जैसे वो इतना बड़ा वाला डायनासोर है तो उस पर हमला नहीं करने वाला। लेवल 8 है इसका, तो मुझे लगता तो है ये आसानी से पालतू बन जाना चाहिए। तो भाई अब आने वाला है ट्रिकी पार्ट, अब हमें क्या करना है इसे फंसाना होगा जाल में, ट्रैप में। तो हम क्या करेंगे, एक डायनासोर गेट लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा गैप छोड़ के भाई, चलिए खुद ट्रैप में फंसा है तो भाई फंसने दो। ठीक है एक लगाएंगे हम ऐसे और एक, ऐसे भाई ये खुद ही ट्रैप में घुसता जा रहा है। ठीक है मेरा तो काम आसान हो गया, इस वाले को लगाया यहाँ पे और हट जा साले सामने से, ये लगा दिया भाई। अब क्या है ये डायनासोर बंद हो गया, कहीं भाग कहीं जा सकता है ये, एक सेकंड। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब करूँगा मैं इसका शिकार, ये निकाला भाई धनुष बाण और इसे गले गले में मारना है। ठीक है भाई एक मारा, अब ये क्या है हमारे मारने के लिए आगे नहीं आ सकता, तो इसे हम इसे आराम से मार सकते हैं। भाई पता नहीं कितने दिन लेगा बेहोश होने में,
इसलिए हमने ये गेट इतने सारे बना के से इनके बीच में फंसाया है। और भाई जो इतने बड़े बड़े डायनासोर हुए ना, उनका इस तरह से हुआ है शिकार। ठीक है भाई लोगों, तो अभी तुम्हारा भाई जो है बहुत सारे स्टोन एरो, मतलब स्टोन एरो कह रहा हूँ, ट्रैंक एरो लेके आ चुका है अपने साथ में। और मुझे लगता है आपकी बातें बेहोश हो ही जाएगा आराम से, तो इसे कूटते हैं फटाफट। भाई ट्रैंक एरो बना बना के लेवल अप भी हो गया तो इनको नहीं भाई, पहले इसे अपना पालतू बनाएंगे, बाद में अप्लाई करेंगे लेवल अप भी। ठीक है भाई, तो गिर गया इतना बड़ा वाला डायनासोर। भैया इसकी मुंडी देखो कहाँ तक आ रही है। खैर कोई फटाफट, मेरे पास जितना भी खाना है मैं इसके बस्ते में गिरता हूँ। कभी हमने इसने इतने बड़े वाले डायनासोर के थैले में इतना सारा खाना डाल दिया है। ये खाली ये नीली वाली मीजो बैरी खाता है, तो हमने ये डाल दिया इसके अंदर काफ़ी सारी। भाई फटाफट खा ले, ख़त्म कर और पालतू बन अपना। ये ज़्यादा बड़े लेवल का तो नहीं है भाई, खाली 8 लेवल का है, लेकिन इस जगह के लिए एकदम बेहतरीन है, मतलब काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे। इससे तगड़ा जानवर या कोई नहीं भाई, जितने भी डायनासोर हैं सारी मीजो बैरी खा मैं। और भाई लोग अभी मैं एक चीज़ तो भूल ही गया, मैंने इसे क्या कहते हैं बेहोशी की दवाई नहीं दी, तो ये उठ भी सकता है थोड़ी बहुत देर में। तो मैं कहता हूँ इसे काफ़ी सारी नार्कोबेरीज खिला देता हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, खाली 77 है। वो 77 मुझे नहीं लगता इसके लिए बड़ी बात है, लेकिन फिर भी इसे नशा कराना भाई पूरा फुल एकदम गहरे नशे में पहुँच गया। ठीक है, थोड़ी सी इसे मीजो भाई भी खिला देते हैं भाई, भूखा हो गया तो ठूस ले भाई, ठूस लेना जैसे। ठीक है, पालतू बन जाइए अपना, ये तो हड्डी पसली अलग करेंगे, समझ में आ गई, बहुत बड़ा है तो मानना मैंने अलग करूँगा हड्डी पसली। हाँ भाई सुनते नहीं है कि भाई ऐसे डायनासोर वायनासोर। अगर तुम भी भाई चाहते हो ना कि तुम्हारा कोई नाम ऐसा फीचर हो, मतलब कोई ऐसा तुम्हें बढ़िया सा नाम समझ में आ रहा हो जो हमें अपने डायनासोर को रखना चाहिए, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। अपने जो अगला डायनासोर हम पालतू बनाएंगे उसका नाम वही रख देंगे जो भी तुम नीचे लिखोगे। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करो भाई। मुझे यहाँ एक वो पड़ी मिली थी भाई, क्या कहते हैं मरे हुए की क्रेट सी, मैंने सोचा भाई टायर मर गया अपना, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ हो मरा था भाई, टायर तो अपना जिंदा है, या तो अपनी किसी पुराने डायनासोर की वो होगी क्रेट। सर यार ये हिटलर की मुंडी के नीचे दवा पड़ा है भाई, से दवा रहने दो, जब हम हिटलर को अपना पालतू बनाएंगे तो अपने आप को ये याद हो जाएगा। भाई कैसे मुंह खोले पड़ा है देखो भाई इसकी दवा एक बार। ओ भैया ठीक है भाई, हिटलर भी अपना पालतू बन गया। और भाई इसका नाम रख देते हैं, अभी तक इसका नाम हिटलर ही था, अब इसका नाम रखते हैं HITLER। और इसके ऊपर क्या है, हम चढ़ नहीं सकते ऐसे भाई, अभी क्या है इसकी सैडल बनानी पड़ेगी, गड़बड़ होगी थोड़ी सी। अभी क्या है हम इसकी सैडल नहीं बना सकते इतने बड़े हिटलर की। ठीक है, उसके लिए भी हमें लेवल अप करना पड़ेगा। क्यों होता है भाई ऐसा? ओ भाई क्या जमीन हिला रहा है जब अपने पीछे चल रहा है। ओ भैया ओ इसे क्या भाई, मैं अपने घर के पास से ले जाकर छोड़ दूंगा, खड़ा कर दूंगा ऐसे ही। भाई इसके पैर भी ढंग से डूब रहे हैं पानी के अंदर, जिसमें भाई पूरा इंसान डूब जावे उसमें इसके पैर भी डूब रहे ढंग से। ओ भाई अपने घर से कंपेरिजन देखो यार। भाई जब सही बता रहा हूँ, जब मैं अपने घर पे आया था ना, मतलब जब मैंने घर बनाया था, मैं सोच रहा था भाई कितना बड़ा तगड़ा घर है, कितना ऊंचा बड़ा, भाई कुछ नहीं है इसके सामने। देखो एक बार ये घर और ये है हिटलर भाई साहब। भाई ड्रोन शॉट लेने काम आता होगा इसकी मुंडी, सही बता रहा हूँ। खैर कोई नहीं, अभी हम इसे फॉलो नहीं करवाएंगे अपने आप को, जो खाना इसके पास है थोड़ा बहुत खाना वाना ला के देते रहेंगे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, इतना बड़ा डायनासोर होने से ना घर के पास नेक्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन मिलेगी हमें। और भाई ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसके ऊपर बस हम ऐसे ही बैठ के चला रहे हैं, इसके ऊपर हम पूरा घर रख के चल सकते हैं, जैसे दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे भाई अभी क्या है, एक छोटे से इलाके में इस गेम के, तो मैं क्या है जैसे थोड़ा लेवल अप हो जाऊंगा तो दूसरे इलाके में जाऊंगा जहां पे इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिसोर्सेज इससे ज़्यादा हैं, डायनासोर इससे तगड़े तगड़े हैं, उन्हें पालतू बनाने के लिए, पावर गेन करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या है भाई, हम इसके ऊपर चल के वो जा सकते हैं, अपने पूरे घर का जितना भी जरूरी सामान है, जितने भी अपने वेपन्स हैं भाई, कपड़े लत्ते हर एक चीज़ इसके ऊपर एक घर बना के उसे भर कर ले जा सकते हैं। ये एक तरह से भाई क्रूज शिप मान लो तुम, अपने आप ये आराम से चलता रहेगा होले होले। और खैर अभी क्या कहते हैं, हमने इसे तो पालतू बना लिया, लेकिन अपने घर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, तो अभी क्या है, हम ये जितने भी डोर हैं ना लकड़ी के, इन सबको रिप्लेस करने वाले हैं पत्थर के डोर से। ठीक है भाई, तो अभी क्या कहते हैं, एकदम मजबूत वाला डोर लग रखा है यहाँ पे पत्थर की दीवार, उसमें एकदम भाई देखो कैसा मजबूत सा डोर लग रहा है। तो नीचे का जो पूरा का पूरा फ्लोर है भाई हमने पत्थर का बना दिया। यार ये एक चीज़ रह रही है भाई, रैंप भी बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये स्टेयर्स और रैंप में चेंज हो सकती है आपस में, तो इसे हम
रैंप मोड में डाल देते हैं और बन गया भाई स्टोन की रैंप। तो नीचे का भाई पूरा का पूरा जो फ्लोर है एकदम बेहतरीन करके स्टोन का बन चुका है। और ये एक मजबूत वाला गेट लगा दिया हमने, रीइंफोर्स्ड वुडन गेट है ये, तो ये मतलब स्टोन के गेट के बराबर है क्योंकि स्टोन का गेट नहीं बन सकता, इसे रीइंफोर्स्ड वुडन गेट है। वो भाई गलत सीन, लाइट चली गई। मजा आया इस वीडियो में तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं जा रहा हूँ फटाफट गेम बंद करके, ठीक है, क्योंकि लाइट भाग गई, मुझे नहीं पता कितनी देर वीडियो चलने वाली। ठीक है, बाय।